हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये है मॉर्निंग का ही टाइम है और मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ क्या यहाँ पे समोसे और ब्रेड रोल बना रही थी। और आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में दिखा दिया है, पूरा वीडियो शेयर नहीं किया, बनाने की रेसिपी वगैरह नहीं शेयर किया, बस थोड़ा सा दिखा दिया और बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं। और ये है शाम का वीडियो, तो शाम को मैं कर रही थी पूजा, पूजा की तैयारी। अभी पूजा करने दी, पूजा की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल पाता इस टाइम। तो कोशिश करूँगी आप तक वीडियो अच्छे से अच्छे पहुँचाने की, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल टाइम नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर लूँगी। और शाम को कई बार लेट हो जाती हूँ मैं पूजा के टाइम पे, लेकिन अभी तो 7 बजे मेरी पूजा हो जाती है लगभग, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 7 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। तो मैं आप लोग बाती दिखा रही थी, तो मैं घी में बाती ऐसे बना कर रख लेती हूँ और फिर दीपक जलाते समय थोड़ा सा घी डाल के दीपक जला देती हूँ। तो ऐसे ही हमेशा मैं जो है घी की बाती बना लेती हूँ, इससे आसान होता है दीपक जलाना, बहुत ही बड़ी अच्छे से जल जाता है दीपक। तो और जो है हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो शाम के 7:15 हो चुके हैं और हमारी बिटिया रानी अपना प्रोजेक्ट बना रही है मैथ का, तो आज बहुत ही व्यस्त रही है इसमें। और जो है आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं वापस से जलंधर आ चुकी हूँ। और आए हुए मुझे हो गया है, कब आई थी मैं, कौन से दिन, 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को मॉर्निंग में मैं यहाँ पे जलंधर में पहुँच चुकी थी। और जो है होली वाले दिन मैं आई थी मॉर्निंग में। और जो है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया आने का और रास्ते का कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मन नहीं था बनाने का और काफ़ी सारी वीडियो हो रखी थी जो कि डालना था और मैं डाल भी नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं हो रहा था डालने का, तो इसलिए मैंने रास्ते का व्लॉग नहीं बनाया। और होली वाले दिन मैं यहाँ पर आ गई थी और आज मेरा यहाँ का व्लॉग जाएगा जलंधर का, मतलब जहाँ का हमेशा मेरा होता है वहाँ का व्लॉग जाएगा। और शाम की पूजा हो चुकी है मेरी और काफ़ी टाइम से आप लोगों ने कान्हा जी को नहीं देखा होगा मेरे, और जो है आज दर्शन हो गए होंगे आप लोगों को, हो गया है। और जो है खाने में खाना मैंने सुबह बनाया था सब्जी दाल, और दोपहर को सब्जी और दाल और समोसे आज बनाए थे। तो बस वह होली के दिन मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो इसलिए आज मैंने बच्चों के लिए समोसे बना दिए थे और बस यही बनाया था। और खाना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं है, सिर्फ रोटियाँ बनानी है, तो वही मैं बना लूँगी। बस यही हो रहा है आज, और काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग घर का डाल रही हूँ, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि गांव का अभी तक ब्लॉग आप लोगों को मिल रहा था और काफ़ी सारा प्यार मिला है गांव की वीडियो को, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को, गांव का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए फ्रेंड्स काम कर लेते हैं, बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा। और देख सकते हो आप लोग किचन में, और मेरी लाइट को पता नहीं क्या रखा है, बहुत ज़्यादा हिल रही है लाइट, ये इधर से तार वगैरह हिलती बहुत है। बर्तन वगैरह देखो बच्चे धो के लाए थे, उसको लगा दूंगी बर्तन सारा। किचन बहुत ही ज़्यादा आजकल फैला रहा था क्योंकि मैं घर में रहती नहीं हूँ, बुटीक चली जाती, इसलिए बहुत बच्चे रहते हैं घर पे, स्कूल से आते हैं तो वही जो थोड़ा बहुत करते नहीं, किचन में भी बहुत ज़्यादा आजकल मैसी हो रहती है। तो चलिए किचन का काम कर लेती हूँ और आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, बाय रात तक के लिए। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद मैंने मैट हटाया नहीं था, तो अब मैं मैट हटा रही हूँ पूजा का, तो ये फोल्ड करके मैं रख देती हूँ, जब पूजा करती हूँ तभी मैं बिछाती हूँ, नहीं तो नहीं बिछाती हूँ, हमेशा नहीं बिछा कर रखती हूँ यहाँ पर। तो उसको रखने के बाद मैं अब थोड़ा सा, मुझे और भी बहुत से काम थे, पूजा जो सामान रखा उसमें ठीक ठाक करना था, तो वो मैं करने में लग गई थी। और उसके बाद आ गई थी किचन में बर्तन सेट करने, तो सारे बर्तन लगाने थे, धुले हुए रखे हुए थे, सिर्फ मुझे लगाना था बर्तन, तो लगा दूंगी फटाफट से। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है थोड़ा बहुत, तो वही बना लूंगी खाना और हमारा हो जाएगा फिर। थोड़ा बहुत बनाना है, थोड़ा बहुत रखा भी है, तो वही कर लेती हूँ मैं। और बेटा भी लगा हुआ है कुछ ना कुछ करने में, तो ये देखिए मैं कुकर में दाल बना के रखा हुआ है, बस उसको तड़का लगा दूँगी
और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, रोटी और चावल बनाऊंगी। रोटी और चावल बनाना है, बाकी दाल वगैरह बनी हुई है तो नहीं बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही बिजी लाइफ हो गई है मेरी, जिसकी वजह से जो है मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जो है बैलेंस हो जाएगा ठीक। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे सारा बैलेंस जो है ठीक हो जाता है, काम का और घर का बाहर का सारा ठीक हो जाएगा, तो एक दूसरे को मैनेज करने में। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो रात को मैंने आगे वीडियो नहीं कंटिन्यू किया, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं लगा रही हूँ, बिस्तर ठीक कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 का, 8:30 से और जो है 10 बजे तक मुझे सारा काम घर का फिनिश करना होता है। तो बस फटाफट से कर लूँगी घर के काम, और उसके बाद बाकी के काम जो होते हैं मेरे तो वो कर लूँगी। तो देख सकते हो बेडशीट बिछाने में लगी, और मैंने सूट नहीं डाला है क्योंकि मुझे पता ही आप लोगों को बाहर जाना होता है बुटीक में काम करने के लिए, तो फिर जो है सूट गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ सलवार पहना है और टी शर्ट डाल लिया। मैं कहा चलो जाते समय सारा घर का काम हो जाएगा तो फिर मैं कुर्ती डाल लूँगी ऊपर से और फटाफट निकल जाऊँगी, तो इसीलिए टी शर्ट डाला है ऊपर और नीचे जो है सलवार ही पहनी हुई है। तो बस फटाफट से लगा लेती हूँ बिस्तर। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और जो है वीडियो को लाइक भी कीजिए। लाइक करने से जो है मुझे अच्छा लगता है, आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं, देखने वाले बहुत से लोग होते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो पता नहीं क्यों उनको लाइक करने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग।